तहरीके इंसाफ की हठधर्मी बरकरार, शहर इख्तदार पर यलगार के लिए तैयार, अदालती अहकामात, हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीके इंसाफ इंतशार पर बजद, चेयरमैन पीटीए बैरिस्टर गौहर और वजीर आला अली अमीन की जेर सदारत, इजलास में एहतजाज हर हाल में करने पर इत्तेफाक। पार्टी इजलास में हुकूमती दरख्वास्त पर कोई बातचीत नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा से तमाम काफिलों को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में पिशावर से सवाबी जाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाज होगा, हर सूरत होगा, इस्लामाबाद जाएंगे, हर सूरत जाएंगे। मुल्क भर से जत्थों को डी चौक पहुँचने की हिदायत जारी कर दी। और वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीए बैरिस्टर गौहर से राबता, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा बेलारूस के सदर 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एहतजाज से मना कर चुकी है, सारी सूरत हाल पर गौर करें। चेयरमैन पीटीए ने कहा पार्टी से मुशावरत करूंगा। मीडिया से बातचीत में मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में किसी को धरने या एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे, कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।